जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि 25 अगस्त वाली शिफ्ट में दोनों शिफ्टों में कितने प्रश्नों पर स्टूडेंट ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। कुछ डाटा लाइब्रेरी से मिला है, कुछ डाटा आप लोगों ने भेजा है। तो आप लोगों ने भी मुझे मैसेज किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन प्रश्नों पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं वो सभी प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ। और ये जब डाटा मैंने देखा ना, मैं एकदम से चौंक गया, इतने ज्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन। अगर ये वास्तव में सही हुआ तो देख लेना 25 की ये जो शिफ्ट है ना, सबसे हार्ड रहने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 अगस्त के जो भी गलत प्रश्न है दोनों शिफ्टों के, वो लिखे हुए हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है बादल, देखिए इसमें बादल का वर्षा से और हवा का संबंध पूछा गया था, तो आयोग ने जो आंसर दिया है वो हवा ही दिया है, और इंग्लिश में उसका कन्वर्जन वाइन लिखा हुआ था, तो आयोग जो है वो तो मानेगा नहीं। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन करने में क्या जा रहा है, सभी लोग ऑब्जेक्शन जरूर करें। उसके बाद बात कर लेते हैं जो अगला एक और क्वेश्चन है अध्यात्म वाला, इसमें भी आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर करें। एक शुद्ध वाक वाला क्वेश्चन है, एक गमही वाला है, एक स्रोत सेंशन दिया था, ये भी आप लोगों ने भेजा है, तो एक ये है, एक ट्विटर वाला है, एक डिब्लेक दर्रा वाला है, तो ये प्रश्न हो गए। और यूपी हिंदी और संस्कृत संस्थान रवि की फसल वाला, सितंबर 2016 जीडीपी, और एक रीजन का क्वेश्चन है जिसमें 1331-2197 ये डाटा दिया हुआ है। एक है यस क्यू का पिता है, एक जीएसटी की जो स्लैब दी थी 12 और 18 दोनों सही है, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। उसके बाद एक और रीजनिंग का है एम परसेंट एन वाला। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये बहुत चौंकाने वाले डाटा है, आप खुद देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही 14 प्रश्न, बहुत ही चौंकाने वाला डाटा है। अगर ये वास्तव में सच होता है तो सबसे कठिन शिफ्ट यही रहने वाली है, क्योंकि ये 14 प्रश्नों पर अगर बच्चा अटका हुआ, उसका कितना टाइम वेस्ट किया होगा और कितना वो डिमोटिवेट हुआ होगा, क्या उनके समय को वापस ला सकते हैं ये लोग, आप खुद बताइए कितनी ज्यादा समस्या आई होगी। और ये जो डाटा है वास्तव में चौंकाने वाला है, और सबसे हार्ड शिफ्ट भी बन सकती है इसी वजह से। और देखिए, और उसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट में एक ये आपको दिया होगा फिगर वाला क्वेश्चन, दो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, उसके बाद एक प्रॉफिट लॉस का है, एक समास वाला है जिसमें लोग, और एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का है, एक नीति विज्ञानी वाला है, एक गो का वचन है जिसमें बच्चे कह रहे हैं कि गो लिखा होना था। तो ये देखिए इस शिफ्ट में भी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 प्रश्न इसमें भी है, और अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न है जो सेकेंड शिफ्ट के मुझे प्राप्त नहीं हो पाए थे, वरना इसके भी बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये डाटा वास्तव में रियल हुआ ना, रियल का मतलब वास्तव में अगर ये गलत हो गए तो सही बता रहा हूं, सबसे हार्ड शिफ्ट यही रहने वाली है, ये 23 को भी पीछे छोड़ देगी, 23 को भी पीछे छोड़ देगी। इतने प्रश्न गलत होने के बावजूद, इतने प्रश्नों पर संशय होने के बावजूद बच्चे कैसे पूरा पेपर हल कर पाएंगे, आप कुछ समझिए। इसमें हिंदी के भी है, रीजनिंग के भी है, और मैथ के भी एक क्वेश्चन है, अब खुद आप अंदाजे लगा लीजिए भाई, ये तो बहुत चौंकाने वाला डाटा है, और ऐसा करना ही नहीं चाहिए। कम से कम जो छोटी छोटी त्रुटियां हुई हैं, भले इंग्लिश हिंदी में हुई हो, लेकिन कम से कम बोर्ड को तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, कितना भी जल्दी हो, इससे बच्चा बहुत डिमोटिवेट होगा। जिस बच्चे के पेपर में ऐसे प्रश्न होंगे जहां पे कंफ्यूजन होगा, तो भाई उसको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में ही बहुत समय निकल गया होगा, बच्चा सिर्फ एक चीज पढ़ने जाता है, अब वो देखेगा कि पहले हिंदी पढ़े, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़े, फिर उसके बाद वो सॉल्व करे, तो आपने 150 के बजाय उसको तो 300 प्रश्न दे दिए भाई, क्यों इतने गलत प्रश्न। और ये इस चीज की बहुत बुरी व्यवस्था है, और इस पे भी ध्यान देना होगा, अगर चीजें अच्छी हुई हैं तो पेपर पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तो फिर बहुत ही बुरा हो गया 25 वाले बच्चों के साथ। तो नॉर्मलाइजेशन में अंतर तो पड़ेगा, अगर ऐसा डाटा हुआ, ऐसा डिफरेंस हुआ, तो भाई नॉर्मलाइजेशन में अंतर पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन वो भरपाई नहीं कर पाएगा जो ये बच्चे अपना पेपर सॉल्व करने में कर लेते हैं। पेपर अगर वो खुद सॉल्व कर दे, नॉर्मलाइजेशन आप कितना दे दोगे भाई, 10 नंबर दे दोगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये 14-15 क्वेश्चन है, और इतने भी ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई बच्चा करता तो इसमें 15 में से अगर ये 10 भी कर लेता तो उसके 20 मार्क आ जाते हैं, बहुत ज्यादा ये शॉकिंग है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो भाई 25 की शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट होगी, देख लेना, और सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो ये था हमारा डाटा, आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर बढ़ चढ़ कर लगाएं। और एक चीज, अगर आपको सर्च भी कराना है कि हम कहां से ऐसा प्रमाण लें जहां से हमें ऑथेंटिक डाटा मिल पाए, तो भाई एनसीईआरटी आप लोग ध्यान रखना, एनसीईआरटी, और जितने भी ये प्रश्न बनते हैं, कोई भी टीचर हो, कोई भी पैनल बनता है, जितने भी अधिकारी होते हैं वो एनसीईआरटी से ही पढ़े हुए होते हैं, और वो एनसीईआरटी से ही प्रश्न रखते हैं। तो ये एक चीज है कि आपको ये एनसीईआरटी की बुकों में ही ये डाटा मिल जाएगा।
अगर आप लोग जीके का आता है जो भी ढूंढना चाहते हैं, ये सारे एनसीईआरटी के बुक्स में मिल जाएंगे आपको। तो ध्यान रखना एनसीईआरटी की बुक्स पे ही खोजना, और थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपकी थोड़ी सी मेहनत आपके नंबर बढ़ा सकती है। भाई 25 वाले ये देखो इतने प्रश्न है, जिसके लिए गलत है वो तो मेहनत कर ही ले, और जिसके सही है तो उसको लग रहा होगा कि भैया क्यों बता रहे, क्यों इतना बढ़ावा दे रहे। भाई अगर वो वास्तव में सही है आपका, तो भाई वो सही होगा, उसको बोर्ड भी गलत नहीं करेगा। लेकिन अगर ये वास्तव में गलत है तो भाई नंबर सबको मिलने चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो इस चीज में किसी को बुरा भला ना कहे, हमेशा साथ दें। आप लोग, आप सब लोग स्टूडेंट हो, आज नहीं तो कल आपके साथ भी यही होगा, सब लोग एक दूसरे का साथ दें। तो सभी लोग ऑब्जेक्शन जरूर करें, ये ना सोचे कि वो कर देगा ये कर देगा, इस चीज में ना करें, आप लोग मेहनत करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग जरूर ऑब्जेक्शन करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और इन प्रश्नों के अलावा अगर आपके पास भी कुछ ऐसा डाटा हो जहाँ पे आप लोग को लग रहा हो गलती है, तो भाई जरूर मुझे कमेंट करें, मैं देख लूंगा उन प्रश्नों को कि क्या गलती है। अगर आपको प्रमाण नहीं मिल पाता है आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रमाण कहीं से भी खोज के कहीं से भी आपको दूंगा, लेकिन जरूर ये ऑब्जेक्शन करना, सभी लोग ऑब्जेक्शन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।